अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हेयर आई एम आमना। और आज हमारा ईद का दिन है। हम सुबह सुबह उठे, देखते हैं क्या माहौल, क्या फिजा है ईद की। तो जो है ना, हम ज़रा बाहर की तरफ आए, देखा कि बाहर हमारे जो है ना घर के बाहर गली में क्या मौसम है, ईद का क्या चहल पहल, क्या मतलब हो रहा है। तो हमने अपने गेट के बाहर देखा तो मतलब ये है कि धूप तो तेज़ हो रही थी। इत्तेफाक से क्या कहते हैं, रमज़ान में और ठंडा मौसम था, बस ना ईद पर ही थोड़ी गर्मी सी पड़ गई थी। लेकिन ये है कि बाकी ईदों के मुकाबले में कम गर्मी है, वरना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ईद पे। लेकिन ये है कि पहले ईदों के मुकाबले में कम गर्मी है। और ये बाहर का मौसम जो है ना, मतलब बच्चे आ जा रहे थे। जूस बनाया, फ्रूट्स वगैरह काटे, और जो है ना जूस बनाने के लिए मैंने सही तैयारी शुरू की। क्योंकि ना सुबह नाश्ते में मैं कहा चलो भाई जूस बना लूँ, उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर नहाना धोना, फ्रेश होना है, सब कुछ, मतलब जो तैयारी होती है ईद की वो करनी है। फिर मैं जूस बना रही थी और ग्लास में निकालना अपने लिए, अपने हब्बी के लिए, फिर हम जूस पियेंगे। मतलब खजूर खानी चाहिए, खजूर से मतलब ना सुबह सुबह खजूर खानी चाहिए। तो मैंने खजूर भी जो है ना मतलब साथ में जूस के साथ रखी, मैंने भी खाई, अपने हब्बी को भी दी। मेरी बच्ची जो है ना देखे हैं, मैं खजूर निकाल ही रही थी तो ये जो है ना खजूर उठा के लेके गई है अंदर रूम में। अब देखो शायद अपने बाबा को देगी, किसको देगी, कुछ भी चीज़ें होती है माशाल्लाह मेरी बच्ची जो है ना मतलब अपने बाबा को देती है। कहीं पर भी हम कुछ जाएँ आए घर में, मुझे देगी खजूर वहाँ से लाके, अपने बाबा को दी है इसने, सही है। अब ये फिर दोबारा बाहर जा रही हैं, देखे क्या करती हैं ये। ये दोबारा बाहर आई और ये दोबारा उन्होंने खजूर उठाई, अपनी मम्मा को तो देंगी नहीं, ये दोबारा खजूर उठाई, देख रही हैं क्या हो रहा है ये। ये दोबारा गई अंदर, अपने बाबा को दोबारा खजूर दी, मतलब ये माशाल्लाह ऐसे करती हैं। उसके बाद हमने अपने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। नाश्ते के लिए जो चीज़ें होती हैं काटना, मतलब प्याज टमाटर वगैरह जो है, हम नाश्ते की तैयारी के लिए हम शुरू हो गए। मेरे अभी ने कहा था कि सुबह नाश्ते में ना वो ऑमलेट वगैरह बना लो, तो उसके लिए मैं प्याज टमाटर वगैरह जो है ना मैं इसमें उसकी तैयारी कर रही हूँ। मेरी बच्ची साथ में जो है ना, मतलब मैंने आपको कहा ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ में लगी रहती है, जो मतलब मैं काम करती हूँ उस काम में वो होती है। तो ये अब जो है ना हमने अपना अंडा वगैरह फेटा और जो है ना उसकी तैयारी शुरू कर दी है। अम्मा, अम्मा।
अब हम नाश्ता कर रहे हैं। मेरे बे कहते हैं कि अच्छा सा जो है ना मतलब ऑमलेट टाइप बनाना, टमाटर दाल के प्याज वगैरह। तो अब हम जो है ना नाश्ता कर रहे हैं, मेरी बच्ची, हम सब बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। इसके बाद हमने अपने कपड़े प्रेस किए, कपड़े निकाले ईद की तैयारी के लिए। मतलब फ्रेश तो हम सुबह हो चुके थे, नहा धो सुबह चुके थे, लेकिन ये कि फिर जो ईद के कपड़े पहनने थे ना, वो मैंने बाद में प्रेस के बाद में अपने निकाले, अपने भी, अपनी हब्बी के भी, अपनी बच्ची के भी। तो हम ना अपने अम्मी घर जाने की तैयारी कर रहे थे, और हम अपने अम्मी घर आ चुके हैं। ये मेरी अम्मी के बेड पर मेरी बच्ची जो है ना खेल रही है। शाम के टाइम हम अम्मी घर आए थे, और फिर दोपहर में बहुत गर्मी हो रही थी, शाम के टाइम आराम ठंडे मौसम में आए। मेरी बच्ची जो है ना खेल रही है। नीचे उतरो, बैठ उतरो। माशाल्लाह ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। नाश्ता खैर सुबह कर लिया था, रात की तैयारी, डिनर वगैरह की तैयारी हो रही है, और सब अम्मी वगैरह सब तैयारी कर रही हैं। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी का घर है, सारी सेटिंग वेटिंग उन्होंने की है। और ये नहीं, मेरा भाई मेरी बच्ची के साथ खेलता है। माशाल्लाह हम उम्र नहीं, लेकिन ये है कि साथ खेलते हैं। दोनों छोटे हैं, वो भी छोटी, ये भी छोटी, दोनों साथ खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो ये दोनों आपस में खेल रहे हैं। मेरे भाई गुलाम हसन और मेरी बेटी अतिया, ये खेलते भी हैं। मतलब जो चीज़ चाहिए उस पर खेलते भी हैं, उसको मांगते भी हैं। ये बंदूक है, और ये जो है मांग रही थी और दे दी। अब फिर थोड़ी देर में वापसी ले लेंगे। मतलब इस तरह खेलते रहते हैं आपस में दोनों। मतलब हम इनको कहते हैं टॉम एंड जेली। मतलब मैं देखो ले ली उससे, अब दोबारा जो है ना मतलब ऐसे ही खेलते रहते हैं ये। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप गुलजार मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे साथ रहें, वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। जी सब्सक्राइब कर दिया, शुक्रिया, थैंक यू। और जो देख रहे हैं वो काइंडली सब्सक्राइब करें। और ईद की हमारी किस तरह गुजर रही है सब आपको मतलब डेली व्लॉग्स में बताया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।